ఇందులో షార్ట్ అసలు పోయిట పోతుంది గ్రౌండ్ కదా ना ना ना। ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये तीसरी बार हुआ है जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। चंद मैच खिला के जैसे ही टीमें सेमीफाइनल पहुँचती है फिर वो गायब हो जाते हैं। सेम ऐसा इस साल भी हुआ है। मैं फाइनलिस्ट टीम का कैप्टन हूँ और आज यहाँ सेमीफाइनल होने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से ना तो ऑर्गेनाइज़र कहीं है ना कहीं अपोजिट टीम है। और जब हमने उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, उनका कहना यही है कि हमसे मैच अब नहीं खिलाया जा सकता है, आप लोग जो कर सकते हो वो करो। तो इससे पहले कि हम कोई और स्टेप उठाए, हमने ये ज़रूरी समझा कि हम कश्मीर नौ से बात करें। चूँकि तीसरी बार हुआ है, दिस इज़ थर्ड टाइम कि तीसरा टूर्नामेंट खाया इन्होंने। करीबन इस टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट 25 टीमें थी, 2500 रुपये फीस था, ऑलमोस्ट 80,000 रुपये जमा हुआ है। और ये छोटे छोटे लड़के आधे तो ऐसे भी है जो दिन भर मजदूरी करते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, 400 रुपये कमाते हैं, फिर यहाँ टूर्नामेंट की फ़ीस भरते हैं। फीस इसलिए भरते हैं क्योंकि खेलने का शौक़ है, बजाय इसके कि वो कहीं गलत कामों में मुबतला हो। उन्होंने यही ठीक समझा कि हमारी लोकल टीम में जो टूर्नामेंट होगा हम उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली लिया। मैं बोलूँगा लाइटली उन्होंने इस चीज़ को लिया। और जितने भी पैसे जमा हुए थे, 70, 75, 80, 90 हज़ार जितना भी जमा हो गया था वो सब खा गए हैं। आधे गुलमर्ग में जाके टूर करके आए, आधे ने दुकानें डाल के वहाँ पे अपना सामान लिया, आधे पता नहीं कहाँ पे गायब है। तो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइजर थे उनके नाम ऑलरेडी आपको मेंशन किए गए हैं, उनमें शकील अहमद भट्ट है और भी उसके साथ दो और लड़के यही नौशरा के ही थे, वो भी शामिल है। और जब हमने ये कहने की कोशिश की कि भाई हम अपना हक मांग रहे हैं, हमने जो पैसे दिए हैं उसी बात का हम आपसे मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, यहाँ की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। ये बड़ी अफसोसजनक बात है। आप देख सकते हैं लड़के सारे प्रोटेस्ट पे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें मैच ना खिलाया गया या फिर अगर हमारे पैसे खाए गए तो हम हायर अथॉरिटी के पास जाके वहाँ पर शिकायत करेंगे। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से, कश्मीर नौ के माध्यम से, ये मैसेज जो है ख़ास तौर पर उस ऑर्गेनाइज़र तक पहुंचाना चाहता हूं और उसके बाद जितने भी हमारे क्रिकेट लवर्स हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो घपला यहां पर ये हो रहा है, एक तरह से इन्होंने धंधा बनाया है, इन्होंने बिज़नेस बनाया है इस चीज़ को, एक तो वो इस मैसेज को सुन ले। दूसरी बात, अगर इस न्यूज़ से भी उन पर कोई असर ना पड़ा तो उसके बाद हम सीधा स्टेशन हाउस ऑफिसर बुनियार के पास जाएंगे, उसके बाद सीधा SSP बारामूला और जो हमारा बारामूला का क्रिकेट काउंसिल है उनके पास जाएंगे अपनी इस फरियाद को लेके। देखते हैं कि वो हमारी मदद किस हद तक कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर बार जब भी कुछ होता है तो ख़ास तौर पर कश्मीर नौ की जो टीम है ये स्पॉट पर पहुँचती है। वी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जाए। थैंक यू वरम वर्कू सर अर्ज इत कहान गुजारिश कश्मीर नाव चैनल वातन पे ग्राउंडस मह अर्ज इत कान ऑर्गेनाइजर शकील सब शकील अहमद भट्ट सब दोगुन ऑर्गेनाइजर सजाद अहमद सोफी सब तुम करे अस गुजारिश तुमों रात वोमुत ये टाइम मे 12 बजे बग अज डेटस मे मैच गिन्न योतान कि तुमों अपोजिट टीम कमो बिडरों से पन टीम से सुत तेम वो साफ बह हेक मैच करना कि गोड़ कर पतम टूर्नामेंट ये ब्रो खेमत तेम पत करना बो नौ टूर्नामेंट अच्छे गुजारिश ये अगर सन 60,000 रुपये गो जमा तस् कुन सू क्या गिंदा अस मैच वनस सेमी फाइनलस वोमुत फाइनल टीम हूँ कैप्टन तेज मौजूद शकील सोबन वन बुस चैनल थारा तह कत SHO गुन कोबस गुन तुम गुस्सू तुम खतर वत यल वनस नमो कानून नमो पे अथ मो करो एज़ पर् रूल हिसाब पको शकील सोबस खिलाफ अच्छे शकील सोबस तना तना कह तस् जमीन लड़ाई अस अच्छे खाली सोन टूर्नामेंट ग शकील सोबन वन बह ग आज मतलब कि ये पथ कुन 3 दो बाद योतान कि मौसमी हालात गन खराब शकील सोबन पेमेंट कर्म हजम तेम रात साफ मे नीश रिकॉर्डिंग मे नीश सालम शकील सोबन मौजूद सालम शकील सोबन रिकॉर्डिंग मौजूद सू क्या सू वा बुस कैनल थाना कुन खोचान अगर ना सी गुजारिश गरबर सुबह तुल पी टीम कान कह प्लेयर तुम आसन वर्मल SP सोबस नीश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नौशरा पे अस टीम कर स्टैंड कि अस टूर्नामेंट गिंदा ये नौशरा मे ये ऑर्गेनाइजर अस तमो थे मैच अस मतलब कि अस आज गिंदन मैच सेमी फाइनल टीम वोजमत फाइनलस
کہ وہ آج گندو تو سیمی فائنل یم کن کہ دن اس دھوک مطلب کہ وہ کھو اس ٹورنامنٹ پتم تک ٹورنامنٹ کھوت ہمو یم وری کھو لگم کھین ہم ونان ہم سیود دھمکی ہسا گندو تہ ٹورنامنٹ کھین